दोस्तों स्वागत है आप सबका typingbazaar.com पर। अभी तक के क्लास में हमने कीबोर्ड पर सब रो को टाइप करना सीख लिया है, केवल बच गया है यह नंबर पैड। तो आज से हम नंबर पैड का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ एक बात आप कीबोर्ड पर देख सकते हैं कि जो भी बटन का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वह सब थोड़ा सा साइज में बड़ा बनाया गया है। तो यहाँ भी नंबर पैड में भी आप देख सकते हैं कि प्लस, इंटर और जीरो बटन का साइज थोड़ा ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम इन बटन्स का यूज सबसे ज्यादा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लेटर्स को टाइप करते वक्त सीखा था कि हमारी उंगलियां हमेशा होम रो पर ही रहती हैं, तो वैसे ही यहाँ भी नंबर पैड में भी हमारा होम रो होता है। जैसे इस तरफ एफ और जे बटन पर दो बम्प्स यानी उभार बना हुआ था, वैसे ही नंबर पैड में नंबर 5 की पर उभार बना है। तो हमारी उंगलियों का पोजिशन हमेशा नंबर पैड पर इस तरह रहेगा, 4, 5, 6 प्लस, मतलब हमारे राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर 4 पर रहेगा, मिडिल फिंगर 5 पर रहेगा, रिंग फिंगर 6 पर रहेगा और पिंकी फिंगर प्लस पर रहेगा। इसे आपको हमेशा याद रखना है। और जैसे लेटर पैड पर कुछ भी टाइप करने के बाद हमारी उंगलियां वापस आकर होम रो पर ही रेस्ट करती थी, तो वैसे ही यहाँ भी हमारी उंगलियां कुछ भी नंबर प्रेस करने के बाद वापस आकर 4, 5, 6 और प्लस पर ही रेस्ट करेंगे, यानी होम रो पर ही रेस्ट करेंगे। तो अब हम सीख लेते हैं कि हमें पहले क्लास में टाइप क्या करना है। हमें हमारे नंबर पैड के पहले क्लास में टाइप करना है 4, 5, 6 प्लस और इंटर। 4, 5, 6 प्लस इंटर, यहाँ हम इंटर भी अपने पिंकी फिंगर से ही प्रेस करेंगे, तो आपको इसे भी याद रखना है। हमें इस तरह 4, 5, 6 इंटर को कम से कम 5 पेज पर टाइप करना है, पूरा 5 पेज फिल करना है। इसके बाद आप इसे दूसरे ऑर्डर में भी जैसे 6, 5, 4 प्लस इंटर या 5, 6, 4 प्लस इंटर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों हम चाहे कोई भी लैंग्वेज में टाइप करें, यह नंबर पैड हमेशा हमारे लिए कॉमन ही रहता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा और समय देकर नंबर पैड पर भी अच्छा कमांड हासिल कर लेना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह टाइपिंग में परफेक्शन हासिल कर सकें, हाई स्पीड में टाइपिंग कर सकें, अपना कोई भी काम जल्दी कर सकें। हमेशा की तरह इस वीडियो के नीचे प्रैक्टिस सेक्शन और ब्लैंक पेज दिया गया है, जिसे आपको पूरा फिल करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह नंबर पैड का पहला क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।